जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है सोमवार, शाम हो गया है और आज मन में एक विचारधारा बनी कि चलो आज शिव मंदिर चलते हैं। तो भाटागांव बस स्टेशन से के जस्ट सामने है भगवान नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो आज मन में विचार आया है कि भगवान शिव की दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले महाशिवरात्रि था और हम लोग होली गाना के रिकॉर्डिंग में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, इसलिए पूजा पाठ तो किए मगर उसका कोई वीडियो नहीं देख पाए आप लोग। क्या है, तो उस दिन होली का एक गाना जो है हमको रिकॉर्डिंग करना था और उसमें हम लोग व्यस्त हो गए थे और फटाफट सुबह सुबह शिव मंदिर गए, भगवान की पूजा पाठ किया और अपने काम में लग गए। आज हो गया है शाम, तो मैंने सोचा कि चलो आज सोमवार है और भगवान शिव की पुनः दर्शन करते हैं और भगवान के पास चलते हैं मंदिर में और एक ब्लॉग जो है भगवान के लिए उनको अर्पण करते हैं। तो ये वीडियो भगवान शिव के लिए अर्पण है, भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो हमें ज़रूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भगवान शिव तो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले होते ही हैं। तो एक काम करते हैं, चलते हैं फटाफट भाटागांव बस स्टेशन के जस्ट सामने नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर और वहाँ करते हैं पूजा और अर्चना। ठीक है दोस्तों, तो निकलते हैं फटाफट भाटागांव बस स्टैंड, भगवान शिव के मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भाटागांव बस स्टैंड। ये देखिए बस जो है वो निकल रहा है यहाँ से और ये है सामने का नज़ारा, ये है शिव मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव। सामने कुछ ऐसा दिखता है, पास से दिखाऊंगा। और ये जो भाटागांव बस स्टैंड है इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, दिन में बना था वो वीडियो, पूरा उसका रिव्यू मिलेगा। और ये मंदिर प्रांगण है, ये है उसका गेट मंदिर परिसर का। और आसपास देखिए छोटे छोटे दुकान ठेले वगैरह लगे हैं, गुपचुप चाट वगैरह का यहाँ पर। यह है मेन गेट और यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर। ये देखिए अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा लिखा रहता है, श्री हर नीलकंठेश्वर धाम, ऊपर में है भोलेनाथ जी का मंदिर, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी विशाल है मूर्ति। ठीक है, और यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। चलिए अब मैं गेट भी दिखा देता हूँ जहाँ से अंदर आए हैं। तो ये है गेट, यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं और ये देखिए सामने में गार्डन जैसा बना है और वहाँ पर है भगवान हनुमंतलाल जी महाराज जी का मंदिर। तो यहाँ चलते हैं ऊपर सीढ़ी से, ये है सीढ़ी, यहाँ से हम लोग भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे। ये लीजिए देखिए भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं, काफ़ी विशाल मूर्ति है नीलकंठेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी का मूर्ति और नीचे में है शिवलिंग। ये देखिए सुंदर से पूजा पाठ हो रहा है, ये ऊपर का प्रांगण है, नंदी जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, सब माताएं और बहने लोग पूजा पाठ कर रही हैं। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी माताएं हैं बहने हैं सब पूजा पाठ कर रही हैं। ये है नीलकंठेश्वर भगवान, नीलकंठेश्वर महादेव जी। और ये ऊपर से कुछ ऐसा है दरवाज़ा और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मंदिर कैसा दिखता है। तो ये है नीलकंठेश्वर भगवान, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। महाशिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए इसका वीडियो नहीं बना पाया और हम लोग भी व्यस्त थे, आपको तो मैं बता दिया हूँ। तो महाशिवरात्रि में हम लोग यहीं आए थे, पूजा वगैरह किए, पूजा अर्चना करने के बाद मैं अपने गाने की रिकॉर्डिंग में चला गया। तो ये है भगवान नीलकंठेश्वर और आज सोमवार है, भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये देखिए शिवलिंग, देखिए कितना सुंदर भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, भव्य नज़ारा है ये भगवान भोलेनाथ जी। माताएं जो हैं आरती कर रही हैं, एक बहन भी बढ़िया सुंदर सी भगवान में बिल्व पत्र चढ़ा रही है, फूल चढ़ा रही है। ये देखिए भगवान भोलेनाथ जी नारियल यानी श्रीफल भी उनको समर्पित किए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए बच्चों ने काफ़ी इस जगह को पसंद किया है। और ये है नंदी जी महाराज, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ से चलते हैं नीचे और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन और हनुमान जी का मंदिर।
तो दोस्तों ये है नीचे का नज़ारा। इस सीढ़ी से नीचे उतरे हैं और यहाँ पर चलते हैं, एक छोटा सा गार्डन जैसा बना है, देखिए यहाँ पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है, मन एकदम शांत हो जाएगा। आप लोग टेंशन में रहोगे ना तो यहाँ आके बैठ सकते हो, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, यहाँ मन शांत हो जाता है। और यह है हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ पर हनुमान जी इतना बड़ा है कि मंदिर छोटा हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं अंदर, ये देखिए काफ़ी विशाल है हनुमान जी, ये देखिए जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा हनुमान जी अंदर में, बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ बना हुआ है, इतना सुंदर प्यारा मूर्ति है ये, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैं इससे बहुत छोटा हो गया हूँ। और यह है छोटा हनुमान जी का प्रतिमा, और उसके बाद में है ये देखिए विशाल हनुमान जी की प्रतिमा। बाहर चलते हैं, बाहर से ऐसा है नज़ारा देखिए हनुमान जी के मंदिर का, और ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन। आप मन की शांति के लिए हल्का सा विश्राम कर सकते हैं, आपको शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको ये छोटा सा गार्डन में। और ये नीचे का नज़ारा ही है, आप यहीं से अंदर से ही नारियल खरीद सकते हैं और ऊपर चलते हैं प्रसाद लेंगे। दोस्तों मंदिर से आप घर पहुंच चुके हैं, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय और जय भोलेनाथ।